कुमाऊं का सबसे बड़ा महानगर हल्द्वानी है और उसमें सफाई और कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम हल्द्वानी की है। लेकिन नगर निगम द्वारा कई सालों से ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गर्मियों में दुर्गंध और बदबू, बरसात में संक्रामक रोगों का खतरा, बने ट्रेंचिंग ग्राउंड में से लाखों टन कूड़ा निस्तारण करने की हवा हवाई दावे नगर निगम लगातार करते आ रहा है। एक बार फिर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। फिर पहले की तरह दावा कर किया जा रहा है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड से लाखों टन कूड़ों को हटाकर पूरा निस्तारण की नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जबकि पिछले 10 सालों से शहर की जनता नगर निगम के इस दावे को सुन सुन कर बोर हो गई है। दरअसल हल्द्वानी शहर से रोजाना लाखों मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके अलावा ट्रेंचिंग ग्राउंड में नैनीताल जिले के अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत का कूड़ा भी आता है। बावजूद इसके उस कूड़े के निस्तारण के लिए कोई ठोस पहल आज तक नहीं की गई। हालात ऐसे हैं कि फिर से कूड़ा हाईवे में आकर गिरने लगा है और गर्मियों में कूड़े में आग लगाई जाती है। नगर निगम के अधिकारी सरकारी दफ्तरों में बैठकर केवल हवा हवाई बातें करते हैं। खमियाजा नगर की लाखों की आबादी को उठाना पड़ता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर निगम ने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाया था और जितनी धनराशि में प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब इन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा आमंत्रित कर देंगे। अब जो निविदा आमंत्रित होगी उसमें उस कूड़े की प्रोसेसिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी, वहाँ CCTV कैमरे की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो लोग आग लगा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो नगर निगम पूर्णतया तत्पर है, हमारा प्रपोजल शासन में भेजा गया था, वहाँ से कल हमें अनुमति मिल गई है, तो हम लोग जल्द ही 2 से 3 दिन में परीक्षण करके निविदा आमंत्रित कर लेंगे और निविदा सफल होने के पश्चात वहाँ पर कूड़े की समस्या, मुझे उम्मीद है कि हम उससे निजात प्राप्त करें। नगर निगम ने पूर्व में भी